हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 16 कलियों का लहंगा, जो ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है और 4 मीटर ही हमारा लाइनिंग है। तो आप लाइनिंग लो तो 4 मीटर, यदि फैब्रिक है तो 5 मीटर लाइनिंग लीजिएगा। ये लाइनिंग है वो हमारा कम है। तो लंबाई चाहिए हमें 40 इंची और वेस्ट है हमारी 38 इंची और कलियाँ कटेगी हमारी 16। तो 38 इंची में हम 16 का भाग देंगे और जितना भी नाप आएगा उनकी कली होगी। और यह कली हमारी होगी 2.4 के अराउंड, तो यानी 1.25 इंची की। और 1 इंची हम इसमें प्लस कर देंगे यानी मार्जिन के लिए, जब कलियां जोड़ते हैं तो सिलाई में आता है उसके लिए। तो 1.25 इंची की कली हमारी कटेगी ऊपर से, नीचे से जितना कपड़ा है उतनी कट हो जाएगी। और सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई, तो लंबाई हम लेंगे 39 इंची इस तरह से। तो ये हमारी लंबाई हो गई 39 इंची और इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम साइड से निकालेंगे नीचे के लिए पट्टी लगाने के लिए कपड़ा। तो यहाँ से हम 2 इंची कपड़ा निकाल रहे हैं इस तरह से, तो ये नीचे पट्टी लगेगी हमारे, इसके साथ बुकरम जॉइंट होके फिर लगेगी। पेपर पेस्टिक या बुकरम दोनों कोई भी कुछ भी लगा सकते हो आप। अभी हम 1.75 इंची की यहाँ से कली काटेंगे, तो यहाँ से लेंगे 1.75 इंची, ये देखिए इस तरह से। और ये कली आ जाएगी हमारा, 11 इंची की है तो 10 इंची की बैठेगी, यानी आधा आधा इंची हमारी सिलाई में चली जाएगी नीचे से। और यहाँ से लेंगे हम 3 इंची, यानी सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेगी 3 इंची के ऊपर इस तरह से। और इसके अपोजिट साइड में 2 इंची छोड़ के और फिर यहाँ पे निशान लगा देंगे हम इस तरह से 1.75 इंची पे। और वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे 3 इंची फिर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरह से। और फिर इस निशान से लेके इस निशान तक इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और इसी सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से हम। ये देखिए, और यहाँ से भी हम 2 इंची पे निशान लगा देंगे ताकि ये सीधी पट्टी हमारी कट जाए। और यहाँ से निशान लगा देंगे सीधा इस तरह से। और अब हम इसको कट कर लेंगे, यहाँ से कट करेंगे पहले जो जॉइंट है, और उधर से भी कट कर लेंगे और फिर हम कलियाँ कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे कलियाँ एक साथ में ही कट कर लेंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे और यहाँ से हम इसको खोल लेंगे। तो ये हमारी पट्टी अपने आप कट गई है, तो इसको हम नीचे पेपर पेस्टिक में अटैच करेंगे नीचे की तरफ। और यहाँ से भी इसको खोल लेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हम कली को सीधा करेंगे इस तरह से, और इधर जो सीधी साइड है यहाँ से हम नापेंगे। तो जितनी कली हमारी यहाँ से आ रही है उतनी ही हमारी इधर भी इतनी ही आनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। तो ये अपना इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से तिरछा, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि ये तिरछी साइड है तो यहाँ से ज़्यादा है, और यहाँ से भी हम कट करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से नीचे से। और इसी तरह इस कलियों को भी कट कर लेंगे इस तरह से नाप के। तो 8 कली वो है और 8 कली हमारी ये है, तो टोटल 16 कलियाँ हमारी। और अभी है ये हमारा मेन फैब्रिक, ये देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया है। और इसको इस तरह से दोनों कलियों को रख लेंगे, दो दो कलियाँ रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो 2 कली उधर रखिए, 2 इधर रखिए, और सारी कलियाँ हम इस तरह से रख के कट कर लेंगे। और ये हमारी कट हो गई है, अब हम सिलेंगे इसको।
तो नीचे की तरफ हमने अस्तर लगाया। ये देखो, आप इस तरह से नहीं लगा सकते हो तो आप इस पर कच्ची सिलाई लगा लीजिए या फिर आप इसको चिपका लीजिए। और इस तरह से मैंने दोनों को पकड़ के इस तरह से सेट करके सिलाई की। तो इस तरह से मैंने एक लाइनिंग नीचे ली गई है, फिर दोनों गलियां लगाई है और फिर इसके ऊपर एक लाइनिंग और लगाई है इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे आधा इंची का मार्जिन देते हुए। और ये सिलाई कर रही हूँ मैं पहले हमारी जो तिरछी साइड है दोनों उस पर, यानी दोनों मैंने इसमें लहंगे में तिरछी तिरछी साइड ली है। आप एक तिरछी वाली साइड और एक सीधी वाली साइड भी ले सकते हो, मैंने दोनों तरह के लहंगे बताए हुए हैं आपको। तो ये तिरछी वाली साइड है, यदि आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से सिलिए, पहले दो दो कलियाँ जोड़ लीजिए इस तरह से तिरछी वाली साइड से, और फिर दो दो को जोड़ के चार चार बना लीजिए, और फिर चार चार को जोड़ के आठ आठ बना लीजिए। इस तरह से आप कलियों को जॉइंट कर लीजिए जिससे कि आपकी कलियाँ हो अच्छे से जुड़ जाएगी, मतलब आपको पता चल जाएगी कौन सी कली कहाँ जुड़ती है, वरना आपको एक वैसे कहीं सीधी जुड़ जाएगी, कहीं तिरछी जुड़ जाएगी, इस तरह से जुड़ जाएगी। तो आप है वो कलियाँ इस तरह से जॉइंट कर लें, मैंने तिरछी वाली कलियाँ हैं वो जॉइंट कर ली है पूरी। और अभी हम करेंगे दूसरी कली जॉइंट। ये देखिए, ये मेरी दो दो कलियाँ हैं वो जॉइंट की हुई है, ये देखो। और अभी हम इसको दो दो कलियों को और जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। नीचे वाली कली है वो मैंने सीधी साइड से ली है, और ऊपर वाली कली है वो मैंने उल्टी साइड से ली है, और दोनों अभी हम जोड़ेंगे सीधी वाली साइड से। ये देखो, पहले तिरछी वाली साइड से जोड़ी थी, अभी जोड़ेंगे हम सीधी वाली साइड से। तो इस तरह से हम दोनों कलियाँ जोड़ लेंगे, दो दो कलियाँ, पहले दो दो कलियाँ जोड़ी थी, अभी हम जोड़ेंगे दो दो कलियों को और, तो चार चार कलियाँ हो जाएंगी। तो पहले हमने कली जोड़ी थी वो तिरछी साइड वाली थी, और अभी हम जोड़ रहे हैं वो है सीधी साइड से, सीधी वाली कली, मतलब नीचे की तरफ है वो भी सीधी साइड है और ऊपर वाली भी सीधी साइड है। तो हम दोनों को इस तरह से जॉइंट कर रहे हैं, और ये देखिए, तो ये हमारी कली है वो अच्छे से जुड़ गई हैं। आप इस तरह से हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए कली को जॉइंट कर लीजिए। और ये हमारी चारों कलियाँ जुड़ गई है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, और ये सारी कलियाँ हैं वो जुड़ के तैयार हो गई। अभी हम लगाएंगे, या तो आप यहाँ पे जिप लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे हुक भी लगा सकते हो। तो मैंने हुक वाली पट्टी लगाई है यहाँ पे, देखो हाई वाली, मतलब पीछे की तरफ हाई वाली पट्टी लगाई, और इसके ऊपर आएगी हुक वाली पट्टी। तो मैंने नीचे की तरफ एक सिलाई लगा ली है, अब नीचे की तरफ इसको फोल्ड करते हुए हम इसको ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह से। एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा से फोल्ड किया कपड़े को, ताकि नीचे से है वो धागा ना निकले, और इसके ऊपर एक सिलाई हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी पट्टी है वो लग गई है। अभी इसके ऊपर हम हुक हाई बना देंगे, और हुक वाली पट्टी है वो इधर लगेगी। तो ये ली है हमने 1.5 इंची की हुक वाली पट्टी, जो लाइनिंग वाली है वो ली है, ये देखिए इस तरह से। तो इसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो एक सिलाई हम यहाँ पर और कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम नीचे की तरफ उल्टा करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर एक सिलाई हम यहाँ पर और लगाएंगे इसको नीचे की तरफ उल्टा करते हुए। और यहाँ से हम नीचे उतार लेंगे इस तरह से कोना बनाते हुए। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारे लग गई हैं, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट है वो आप किस तरह से लगाओ ये आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी किसी के बेल्ट में सिलवट आती है, तो ये इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि किस तरह से लगाओ। तो आप यदि कली वाले लहंगे बनाते हो या अम्ब्रेला कट लहंगे बनाते हो तो इस तरह से बेल्ट लगाइएगा, वो अच्छा लगता है। ये देखिए, नीचे हमने लिया है लहंगा और उसके ऊपर लिया है बेल्ट,
और बेल्ट को आगे से मोड़ा नहीं है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे ही रखा है। और सारे कलियां हैं, इसका मार्जिन है नीचे वाला, वो एक साइड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कलियों की 16 कलियां हैं और इसका मार्जिन है वो नीचे वाला, वो सारा का सारा एक साइड करना है हमें इस तरह से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है वो लग गया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस बेल्ट को जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड किया है, ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड किया है नीचे की तरफ, ये देखो एक बार फोल्ड करके फिर हमने दोबारा इस तरह से फोल्ड किया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर जो आते धागे वागे वो नहीं दिखेंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे फिर ऊपर से, ये देखिए यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से जो सिलाई दिखती है हमारी वो नहीं दिखेगी, और इधर भी हम इस तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, यदि ये हाई वाली पट्टी है हमारी तो ये बाहर रखनी है, इसको इसके ऊपर बेल्ट अटैच नहीं करना है, इसको ऐसे बाहर ही रखनी है, ताकि ये जब हुक लगाएं तो नीचे दब जाए इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर दोबारा से इसको बीच में से फोल्ड करके, और जहाँ पर हमारी पहले सिलाई हुई थी उसी के पास पास में हम इसको एक सिलाई और कर लेंगे, और यहाँ से पक्का करेंगे। ये सिलाई हम इस कपड़े के ऊपर नहीं चलाएंगे, इस कपड़े के पास पास में चलाएंगे नीचे की तरफ, जो हमारा बेल्ट है वो छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ सिलाई लगा रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी पास में एकदम। और जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह है वो कट कर दीजिए, जैसे कि फिनिशिंग से दिखे आपका लहंगा। इस तरह से हम पूरे ही बेल्ट पे सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हमारी लग के तैयार हो गई, यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। तो इस पे हमारी डबल सिलाई नहीं लगेगी, एक ही सिलाई आएगी, ये देखिए। तो इस बेल्ट में क्या है कि सिलाई दिखेगी नहीं हमारी, और जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह है वो कट कर दीजिएगा। और ये देखिए नीचे से इस तरह से आएगा, और ऊपर से हमारा बेल्ट है वो इस तरह से दिखेगा, कहीं पे भी चुनट नहीं है हमारे बेल्ट में कहीं पे भी। तो आप भी इस तरह से बेल्ट लगाइए, बिल्कुल भी चुनट नहीं आएगी, ये देखो। अभी हम क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ ये आगे पीछे हो रहा है हमारा, तो इसको कट करेंगे हम इस तरह से, ये देखिए हमने नापा है नाप के और फिर कट किया, मतलब 40.5 इंची हमें लंबाई चाहिए, 40 इंची हमें लंबाई चाहिए, तो हमने 40.5 पे इस तरह से निशान लगा लगा के चारों तरफ हमने इसको इक्वल किया है इस तरह से, जहाँ से भी छोटा बड़ा था, ये देखिए। और फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर पट्टी, तो चारों तरफ से हमने इस तरह से कट किया है। और ये हमारा कट के तैयार हो गया है। और अभी हम लेंगे ये पट्टी जो हमने पहले निकाली थी, और इनको दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। और हमने काटी है पेपर प्लास्टिक जो 2.5 इंची की है हमारी। आप बुकरम भी लगा सकते हो, लेकिन बुकरम यदि दोगे आप तो ख़राब हो जाएगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पेपर प्लास्टिक का इस्तेमाल करें।
और ये है पेपर प्लास्टिक, तो इसको हमने 2.5 इंची की पट्टियाँ काटी है इस तरह से, और फिर इनको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो पूरी ही पट्टियाँ हम जॉइंट कर लेंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर रख के हम एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। अभी ये लिए हमने लेस, तो ये लेस है वो हमें इसके ऊपर अटैच करनी है, यानी थोड़ी ही दिखानी है, बाकी अंदर दबानी है पूरी की पूरी। जो बीजिया होता है हमारा आगे आगे से इतना ही दिखाना है और पूरी हमें अंदर की तरफ दबानी है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे कि ये बीजिया बीजिया हमारा नीचे दिखे और ऊपर अंदर चले जाए बाकी। तो इसको इस तरह, तो ये पट्टी है ये सीधी साइड से और ये हमारा बीजिया है ये भी सीधा है। इस पट्टी के ऊपर सीधा ही ये बीजिया रखना है, तो ये ताकि हम इसको इस तरह होल्ड से करें आएगा। तो ये ऐसे का ऐसा आ जाए इस तरह से। पट्टी को भी सीधी साइड रखा है और इस लेस को भी हमने सीधी साइड रखा है, और जितना दिखाना है उतना उतना इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो पूरी लेस हमें इस तरह से लगा लेनी है, और ये देखो इतनी ही दिखेगी, बाकी सारी की सारी अंदर फोल्ड हो जाएगी। अभी ये लिए है हमने लहंगा और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये नीचे वाली पट्टी। तो ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। तो जो पहले हमने सिलाई लगाई थी लेस के ऊपर, उसी के ऊपर हमने ये सिलाई दोबारा से लगानी है। जो लेस लगाई थी उसी के ऊपर ये सिलाई हमें लगानी है दोबारा से। ये देखिए इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा दाग है वो साथ के साथ कट कर दीजिएगा। और एक साइड मार्जिन कट, ये जो कली का मार्जिन है वो एक साइड देते हुए हम इसको जॉइंट करेंगे। जिस तरफ मार्जिन ऊपर की तरफ दिया था उसी तरफ ये मार्जिन देना है हमें, नीचे जो सिलाई वाला है वो। और इस तरह से हम पूरे ही लहंगे पे ये पट्टी है ये अटैच कर लेंगे। तो सभी कलियों का मार्जिन एक साइड करते हुए हम पट्टी अटैच कर लेंगे, और ये हमारी पट्टी है अटैच हो चुकी है। और एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरह से और लगा लेंगे, जो नीचे का मार्जिन है वो पट्टी की तरफ करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अभी जो साइड वाली सिलाई है वो लगाएंगे। तो दोनों जो हमारा पट्टी है हमारी, यानी हमने बीजिया लगाया जहाँ से, वहाँ से हमने इक्वल करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। पट्टी हमारी चाहे आगे से छोटी बड़ी हो जाए, लेकिन जहाँ पर हमने बीजिया अटैच किया है वो हमारा बराबर होना चाहिए, और वहाँ से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं दोनों ही पल्लों पर, यानी दो हमारी कली है तो इसके दो अस्तर हैं और दो मेन फैब्रिक हैं, जो तो चार हो गए। तो हम चारों को एक साथ में ही स्टिच कर रहे हैं इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह होता है वो साथ के साथ आप कट करते जाइएगा, जिससे कि आपकी फिनिशिंग है वो अच्छी दिखे। और पूरी ही सिलाई हम इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और नीचे करेंगे हम हाथ का काम, क्योंकि नीचे हम सिलाई नहीं करेंगे। हाथ का काम थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप सिलाई भी कर सकते हो। मैं करूँगी इसमें हाथ का काम, यानी तुरपाई करूँगी नीचे की तरफ, और यहाँ पे लगा देंगे हम। एक थोड़ा सा कट लगाएंगे, क्योंकि ये देखो अस्तर वाला जो कपड़ा है ये खींच रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि ये खींचे ना। ये देखिए, आपके भी यदि ये प्रॉब्लम हो जाती बीच बीच में तो आप छोटा सा एक कट लगा लीजिए, जिससे कि आपका कपड़ा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है, ये देखो यहाँ से कर देंगे हम पक्का। और अभी करेंगे हम लहंगे को सीधा, और सीधा करके जहाँ हमने सिलाई छोड़ी थी उल्टी साइड में, वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे दोबारा से ऊपर की तरफ इस तरह से। और इस तरह से हम सिलाई करके यहाँ से सिलाई है वो पक्की कर लेंगे। अराउंड 7 इंच के समथिंग हमने खुला छोड़ा है, और यहाँ से हमने पक्का कर लिया है। और इसका लुक है वो कैसा आएगा इसके लास्ट में मैं एक फ़ोटो डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है आपको।
तो ये देखिए इस तरह से सिलाई कर ली है और कॉर्नर बन गया है। पूरा वीडियो देख